नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल ज्ञानी अड्डा में। मेरा नाम रोहित और आप सब देख रहे हैं ज्ञानी अड्डा का ज्ञानी टेक। दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं ज्ञानी अड्डा का ज्ञानी टेक का एपिसोड नंबर 1। दोस्तों, मेरा चैनल ज्ञान का अड्डा ज्ञानी अड्डा है। दोस्तों, आपको मेरे चैनल में हर एक प्रकार के वीडियोस मिलेंगे, जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मजेदार फैक्ट्स और बहुत सी नई ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर आपको इस हमारे चैनल में वीडियोस मिलेंगे। अगर दोस्तों आपको इन सब वीडियो को मिस नहीं करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक को मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। SMM पैनल। अब ये SMM पैनल क्या है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। SMM पैनल एक बहुत ही वाइडर मार्केट है। जी हां दोस्तों, आप इसे सोशल मीडिया का अंडरग्राउंड मार्केट भी कह सकते हैं। दोस्तों, SMM पैनल का फुल फॉर्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग पैनल। अब आपको मैं बताऊंगा कि इस पैनल में होता क्या है और इस पैनल से हमें क्या फायदा है। दोस्तों, SMM पैनल सोशल मीडिया की हर एक एक्टिविटी के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास एक इंस्टाग्राम की आईडी है जिसके कुछ 1000 फॉलोवर है। सीधा समझाता हूँ, उन 1000 फॉलोअर्स को अगर आपको लाखों में कन्वर्ट करना है, ऐसे तो बहुत से आप प्रमोट करके कन्वर्ट कर सकते हैं किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ, पर आपको वो लाख फॉलोअर सिर्फ 5 या 10 मिनट में चाहिए, जो रियल और एक्टिव फॉलोअर्स होंगे आपके। अगर वो आपको करना है तो वो काम सिर्फ SMM पैनल कर सकता है। तो समझे क्यों SMM पैनल को सोशल मीडिया का अंडरग्राउंड मार्केट कहते हैं। दोस्तों, SMM पैनल का इतना प्योर और क्लीन काम होता है कि बड़े बड़े सोशल मीडिया के सिक्योरिटी सिस्टम्स भी उन्हें नहीं पकड़ पाते हैं। दोस्तों, SMM पैनल में घुसना हर किसी के बस में नहीं है। SMM पैनल्स के भी कुछ एजेंट्स होते हैं, आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में आया कि वर्ल्ड वाइड में SMM पैनल का सबसे ज़्यादा यूज़ यूट्यूब के लिए किया जाता है। USA SMM पैनल के रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा SMM पैनल का यूज़ पबजी और यूट्यूब के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और उनके एक और रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि हर साल SMM पैनल में करीबन $700 मिलियन का ट्रांसैक्शन होता है। इंडियन करेंसी के मुताबिक 5,500 करोड़ का हर साल SMM पैनल में ट्रांसैक्शन होता है। तो दोस्तों समझिए, जो SMM पैनल के एजेंट्स होते होंगे उनकी तो जैसे लॉटरी लग चुकी होगी। दोस्तों, वैसे SMM पैनल करता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। SMM पैनल सोशल मीडिया की हर एक एक्टिविटीज़ के लिए बना है। जैसे आपको अगर इंस्टाग्राम पे व्यूज, वॉच, लाइक्स, कमेंट्स ये सब चाहिए तो आपको SMM पैनल देगा। पर ऐसे के ऐसे फेसबुक के लिए भी, अगर आपका फेसबुक की आईडी हो, पेज हो, डजंट मैटर, वो आपको देंगे व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स, सब कुछ आपको मिलेगा बहुत ही चीप रेट में। जी हाँ दोस्तों, इतना चीप रेट आप मानेंगे नहीं। अगर आप उनके एजेंट से कांटेक्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने चीप रेट में ये सब प्रोवाइड किया जाता है। और ऐसे के ऐसे ये ट्विटर के लिए भी है। जी हाँ दोस्तों, अभी टिकटॉक भी SMM पैनल का बहुत वाइड मार्केट बन चुका है। SMM पैनल में टिकटॉक के भी व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स, वॉच टाइम सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। A to Z तक हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है बिना किसी इलीगल काम से। सब सेफ और 100% लीगल है। जी हाँ दोस्तों, अब फिर भी YouTube को TikTok पीछे नहीं कर पा रहा है। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मोस्टली SMM पैनल जाना भी YouTube के लिए ही जाता है। अगर SMM पैनल आपको YouTube की हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है जो आपके चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे YouTube के लाइक्स, कमेंट, मेनली वॉच टाइम, व्यूज़, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करेगा बहुत ही कम रेट में। इतने चीप रेट में कि आपको यकीन नहीं होगा, 1 रुपया 2 रुपया इतने चीप रेट में आपको प्रोवाइड की जाती है। और ऐसे के ऐसे पबजी के लिए, जी हाँ दोस्तों, पबजी का सबसे फेमस यूसी मनी, जिससे आप रॉयल पास जो भी आपको चाहिए आप खरीद सकते हो, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में पार्ट ले सकते हो, वो भी SMM पैनल प्रोवाइड करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यूसी, एक यूसी आपको बहुत कम पैसा, 1 पैसा में 1000 यूसी आपको 5 रुपये 10 रुपये में मिलेगी। और रॉयल पास कितना, 600 यूसी का होता है, तो आपको 1000 यूसी से 5 रुपये 10 रुपये में मिलती है, जो बहुत ही चीप रेट है। इसलिए ये पबजी और यूट्यूब SMM पैनल के बहुत बड़े मार्केट माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे SMM पैनल में घुसना इतना आसान नहीं है, क्योंकि है तो आखिरकार ये भी अंडरग्राउंड मार्केट।
जी हाँ दोस्तों, फिर भी आज मैं आपके लिए SMM पैनल की ऐसी दो वेबसाइट लेके आया हूँ जिसके थ्रू आप जाके उनसे कॉन्टैक्ट करके आप भी इनका मजा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, SMM पैनल की वर्ल्ड वाइड मोस्ट सर्च और मोस्ट यूज्ड वेबसाइट लेके आया हूँ मैं आपके लिए। आपको मैं बताता हूँ, पहली वेबसाइट नीचे आएगी, पहली वेबसाइट है yoyomedia.com और सेकंड वेबसाइट है followersback.com। ये दो वेबसाइट मोस्ट यूज्ड वेबसाइट और मोस्ट चीपेस्ट वेबसाइट है। इस पे आपको सब आइटम्स मिलेगी बहुत ही चीप रेट में, जाइए यूज कीजिए। पर आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, इसलिए आपका अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, पर इतना आसान नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे इन वेबसाइट्स को यूज कैसे करते हैं दोस्तों। मैं आपको ये सब बताऊंगा मेरे अगले वीडियो में जो जल्दी अपलोड होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन वेबसाइट्स को कैसे यूज करना, इनके अंदर कैसे जाना, कैसे एजेंट्स को कॉन्टैक्ट करना। मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। ये वीडियो मेरा मेनली SMM पैनल क्या है और ये क्या काम करता है उस पे था। अब आपको समझ में आ गया कि मेन SMM पैनल का क्या पर्पस है, आप इसे समझ गए। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसे एक्सेस कैसे करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि SMM पैनल से आप खुद भी अर्न कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं, इनकम बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, SMM पैनल से आप खुद अर्न कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे आप खुद SMM पैनल के एजेंट बन सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आसान नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद SMM पैनल के एजेंट कैसे बन सकते हैं। अगर आपको वो देखना है तो रेडी रहिए, अगला वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा, उसमें आपको बताऊंगा कि आप SMM पैनल के एजेंट कैसे बन सकते हैं और आप ये सब चीज़ें दूसरे लोगों को प्रोवाइड करके अर्न कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट रख के बहुत ही पैसा कमा सकते हैं। एक और मेन बात, SMM पैनल में कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है दोस्तों। अगर आप SMM पैनल के एजेंट बन गए तो आपकी भी समझो लॉटरी लग चुकी है। मैं आपको बताऊंगा कि SMM पैनल में एजेंट कैसे बनना, कैसे काम करना और कैसे पैसा अर्न करना, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं ये दोनों वेबसाइट बताया, आप एक बार जाइए। आई होप कि दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बराबर समझाया हो, SMM पैनल क्या है, SMM पैनल कैसे काम करता है, ये क्या हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं, मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ समझा दिया हो। अगर कुछ बात रह गई हो या आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में बात करना हो या किसी टॉपिक के बारे में देखना हो या समझना हो तो वो टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा, रिसर्च करके उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आपका भी स्वागत है, आप भी मुझे अच्छे अच्छे टॉपिक्स दीजिए जिस पे मैं काम कर सकूं और आपकी मदद कर सकूं। कोई भी टॉपिक अगर आपको इस टॉपिक पे बताना हो या जानना हो उसके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस टॉपिक के बारे में जरूर बात करूंगा और आपको जरूर समझाऊंगा वो टॉपिक क्या है, उस पर अच्छा सा वीडियो बना के डालूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका मेरे चैनल में जुड़ने के लिए और ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका ध्यान रखें।